That is an entire holiday. So what I am getting into is not only the cruise component. I will teach you what is connecting here. How can you take out a cost of a cabin in case it's a double, triple or a quad occupants. Okay, depending upon what IT they take and what cabin category they choose. Right? So, ये मैंने अभी कुछ नहीं किया मैंने सुपर आपकी आप जो कैटेगरी बायर शिप कवर कर रहे हो उसमें से कितने जगहों का वीजा क्या शिप ऑन अराइवल दे रहा है ऑन अराइवल दे रहा है तो बहुत थोड़ा सा आपका बेटर हो जाता है हाँ हैविंग सेड दैट ऑन अराइवल वीजा शायद आपका थोड़ा महंगा भी होगा इतनी मेरी चीज होगा इट्स लाइक अ सर्विस ठीक है ना लोग इंडिया से क्या होता है क्लीन करा दो सर तब वो फ्री करा ओनली शिप विच हैज अ वाटर साइड बस देख रहा है पानी में एक ओन स्पेस ओवर हियर ओके वे दे कैन एंजॉय द ओशन बहुत ही एंजॉय कर रहे होगे हाउ मच टाइम यू स्पेंड रात को रहोगे भी सॉरी टू से बट यहां पे सिर्फ अपना रिफ्लेक्शन दिखाई देगा जब लाइट ऑन होगी तो विंडो से बाहर तो ये अंधेरा होगा सर आपको सिर्फ रिफ्लेक्शन दिखाई देगा मतलब बाहर आओ ठीक है सुबह नहीं है विंडो वैसे ही खराब तो ये होगा मेरे हिसाब से हां अरे आप बैठ के देखना है तो ऊपर देख के ब्रो आप यहां की जगह यहां जाओ वो पैसे बचाओ एंड यू स्पेंड समवेयर एल्स यू स्पेंड इट इन समवेयर एल्स शोरे सेल में करो लिखो में करो एक्सक्लूसिव रेस्टोरेंट में करो दिस इज वन ऑफ द थिंग्स व्हिच विल हेल्प यू अ लॉट टू अंडरस्टैंड हाउ डस द क्रूज पैकेज और हाउ डस द जेवन जो कि सिंगापुर से जुड़ी है उसकी फेयर शीट खोली है द करंट फेयर शीट विच इज सिंगापुर विच इज अवेलेबल एप्लीकेबल टू नवंबर ओके नाउ These are now how to read it. This is the entire sheet and just move it. ये पूरी sheet ऐसे लिखी है, ठीक है?